हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्मित एंड यू आर वाचिंग जॉब वैकेंसी अपडेट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी मींस सर्व शिक्षा अभियान की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जहां पर ऑल इंडिया से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आई है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचे। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है, हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम में लेते हुए बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्यारा सा लाइक भी ज़रूर करना। बात करेंगे यहाँ वैकेंसीज की, काफ़ी टाइप की वैकेंसीज है। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें, फुल टाइम असिस्टेंट टीचर की है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें एजुकेशन के लिए है, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए, जहाँ पर मंथली सैलरी आपकी 24,000 रहने वाली है। जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया हुआ है, जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है उनकी भी डायरेक्ट हायरिंग है। 22,000 आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो पोस्ट है, पार्ट टाइम असिस्टेंट टीचर की है। इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है हिंदी में और बीएड के साथ, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है एज अ पार्ट टाइम टीचर। नेक्स्ट पोस्ट है पार्ट टाइम असिस्टेंट टीचर की, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने मैथ्स में, फिजिक्स में, जूलॉजी में की हुई है विद बीएड, अप्लाई कीजिए। उसके बाद असिस्टेंट कम केयर टेकर की वैकेंसीज है, एनी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली पोस्ट की बात करें, हेड टीचर की आर्ट स्ट्रीम के लिए हैं। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, रेलेवेंट डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हेड टीचर की साइंस स्ट्रीम के लिए हैं, इसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने रेलेवेंट डिसिप्लिन में किया अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फुल टाइम असिस्टेंट टीचर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड किया अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ रहा है, तो ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, एंगेजमेंट इन केजीबीवी अंडर समग्र शिक्षा साउथ सलमारा काचर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, जहां पे देखिए उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स नॉट मोर देन 45 ईयर्स। मतलब आपकी एज 45 ईयर्स से कम है वही अप्लाई कर सकते हैं, 45 ईयर्स से अबव वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। तो असम डिस्ट्रिक्ट से ये अपडेट आ रहा है, आप देख भी पा रहे हैं। इसमें ऐसा है कि 11 मंथ के लिए पहले आपकी जॉब रहने वाली है, बट हाँ समग्र शिक्षा का ये है कि ये रिन्यूअल कर देते हैं जरूर आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एलिजिबल है अप्लाई जरूर से करना। ये नोटिफिकेशन इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर में दी है, पीडीएफ मेरे पास नहीं है। अगर आप वेबसाइट पर इनके जाएंगे, मे बी वहाँ पे मिल जाए, आप चेक कर लेना, अभी तक तो नहीं है। अगर आप एलिजिबल है अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख पा रहे 3 से 12 वैकेंसीज के लिए, उसके बाद 1 से 4 वैकेंसीज के लिए आप देख पा रहे हैं। जल्दी से जाकर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।